उनका मकाम मर्तबा उसके बारे में हुदैबिया का वाकया मैंने बयान किया। हकीकी बात ये है कि हुदैबिया का ये सफ़र और फिर सुलह हुदैबिया इसका हकीकी हीरो ही सैयदना उस्मान है रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं की शहादत की गलत इत्तला पर ये सारी बयत हुई। सूरत फतह की ये आयतें उतरी। इसमें अल्लाह ने कसम खा के उन बयत करने वालों से अपनी रजा का ऐलान किया। अल्लाह चूंकि अल्लामुल गुयूब है उसे ये इल्म था बाद के लोग ये कहेंगे कि उन्होंने ऊपर ऊपर से बयत की ज़हरी तौर पर बयत की अंदर इखलास नहीं था। अल्लाह ने जब अपनी रज़ा का ऐलान किया साथ ही फरमाया फ़ालम माफ़ी कुलूबिहिम जो कुछ उनके दिलों में था मैंने उसे टटोल के देखा परख के देखा जांच के देखा और उनके दिलों के इखलास को देखने के बाद ही मैंने अपनी रज़ा का ऐलान किया। अल्लाह यूं भी कह सकते थे लकद रज़ी अल्लाहु अनिल लज़ीन युबायऊनक तहत शजरा जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत की दरख्त के नीचे बैठकर मैं उनसे राज़ी हो गया। तो लोग कहते कि वो मोमिन तो नहीं थे उनमें मुनाफिक भी थे। अल्लाह ने उसकी बजाय फरमाया लकद रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना उनके ईमान की सनद दी कि वो 1400 सहाबा जो थे वो पुख्ता पक्के मोमिन थे। मज़े की बात ये है कि पूरी बैत का नाम ही बैतुर रिजवान पड़ गया। ये रिजवान इसी राजिया से निकला है लकद रज़ी अल्लाह
तो पूरी बैत का नाम बैत रिजवान। वो जो 1400 लोग थे उनका नाम पड़ गया असहाबुर रिजवान, असहाब रिजवान। और मज़े की बात ये है कि जिस दरख्त के नीचे बैत हुई उसका नाम भी पड़ गया शजरतुर रिजवान। मैं एक बात कहा करता हूँ, तफसील में तो वक्त नहीं मेरे पास कि मैं उधर चला जाऊँ, इशारा करूँगा तो जो सुनने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे। एक दरख्त सबब बन गया था आदम को जन्नत से निकलवाने का। जब अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के नज़दीक नहीं जाना, शैतान ने वसवसा डाला, फिसलाया, आदम भूले, नासिया नासिया, वलम नजिद लहू आजमन, दो माने किए मुफस्सरीन ने, आदम भूल गए, फल खा लिया, हमने आदम में पुख्तगी नहीं पाई। अज़म, पुख्तगी मजबूती नहीं पाई, फिसल गए। दूसरा माना मुफस्सरीन ने किया और ये खूबसूरत माना है, आदम भूल गए थे, हमने अपनी नाफरमानी पर उनका इरादा नहीं पाया। यानी उन्होंने इरादा तन हमारी नाफरमानी नहीं की, नासिया वो क्या हो गए। आज कमाल की हद हो गई है कि लोग खान वादाए अली के लिए भूलने का लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो कहते हैं नहीं, वो मासूम हैं, पाक हैं, गलती करना भूलना मुमकिन नहीं। हमने कहा अल्लाह के बंदो, अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं और अल्लाह ने उनके बारे में कहा, आदम के बारे में कहा नासिया। आदम क्या हो गए। हज़रत मूसा जब हज़रत खजर के साथ जा रहे हैं तो बार बार कहते हैं इन्नी नसी, तो मैं तूफान मचा रखा है। यानी ये कोई मा फौकुल फितरत लोग हैं, मलाइका में से हैं, फरिश्तों में से हैं, नूरी हैं, भूलना गलती करना ये इनसे मुमकिन ही नहीं है। जबकि इमामुल अंबिया हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जोर या असर की नमाज में भूले, दो रकातों पे सलाम फेर दिया, चार की बजाय दो रकातों पे सलाम फेर दिया। आपने उठाओ मुस्लिम तिर्मिज़ी बाब सुजूद सहव निकालो, हदीस की कोई सी किताब उसका बाब सुजूद सहव निकालो, पहली हदीस आपको यही मिलेगी। आप भूले, चार की बजाय दो पढ़ाई, जुल यदैन ने जब तवज्जो दिलाई, नमाज कम हो गई है, अम नसीता या रसूल अल्लाह। ये कौन कह रहा है, सहाबी। शुक्र है उस वेले तुसी को नहीं साओ, तो तुमने तो जुल यदैन के गले पड़ जाना था, तुमने कहना था फयार कटाओ जुल यदैन के खिलाफ। ये नबी पाक के बारे में क्या कह रहा है, नमाज कम हो गई है, अम नसीता या रसूल अल्लाह, या आ जनाब भूल गए। आपने फरमाया कुल्लो जालिक लम यकुन, दोनों में से कोई बात नहीं हुई, ना मैं भूला ना नमाज कम हुई। अब भी यकीन है कि मैंने कितनी पढ़ाई है, चार। जुल्यदैन ने भी जरा पैर पक्के रखे,
ज़ुल्यदैन ने कहा या रसूल्ला दो विच्चों हिक तो हो गई। आप कहते थे कुल्लो ज़ालिक लम यकुन, ज़ुल्यदैन ने कहा नहीं, दो में से एक तो हो गई है, या नमाज कम हो गई है या आ जनाब भूले हैं। वफिल कौम अबू बकरिन व उमर फहा बाहो अन यतकल्लमा, सहाबा में अबू बकर भी हैं उमर भी हैं लेकिन मेरे नबी का रोब है। कौन बोले कौन कलाम करे, वो तो खामोश थे। वो कहते थे जो आपने कर दिया यही दीन है। चार पढ़ाते थे तो ये दीन था, आज दो पढ़ाई हैं तो उनका। वो तो इस बात पे थे, हमें पूछने की क्या ज़रूरत है, जो आपने कर दिया वो सही है। तहवील किबला जब हुआ, आप में से जो लोग मस्जिद किबला तैन गए हैं तो बताइए वो दो किबले किस सिमत में हैं। वो दरवाज़ा, ये किबला पहला, फिर ये मेरा आप, ये किबला दूसरा, बिल्कुल मुखालिफ सिमत में वहाँ खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। पहले हल्का सा इशारा हो गया है, सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन किबलतहिम, हम जब किबले को तब्दील करेंगे तो बेवकूफ़ लोग बोलेंगे, वो कहेंगे किस चीज़ ने इनको किबले से फेर दिया, क्यों किबला तब्दील हुआ। ये थोड़ा सा इशारा हो गया था, नबी पाक के भी ज़ेहन में था कि किबला अब तब्दील हो, बैतुल मक़दस की जगह बैतुल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला किबला, आपके ज़ेहन में भी यही था। आगे फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। यहाँ मुफस्सरीन ने माना किया, हम आपका बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। मुफस्सरीन कहते हैं नबी पाक बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाते कि मेरा किबला तब्दील हो जाए, मेरा किबला तब्दील हो जाए, जल्दी आए, जल्दी जिब्रील आए। आप खुश थे, राजी थे, तमन्ना थी जल्दी किबला बैतुल्ला बनाया जाए। बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह ने उस अदा का जिक्र किया, फरमाया फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसको तू पसंद करता है, हम उसकी तरफ फेर देंगे। हमारे शेख मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप राजी नहीं थे, बल्कि आपका ज़ेहन ये था कि मैं बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता हूं तो यहूदी कुछ नेड़े नेड़े आ रहे ने। यहूदी कहते हैं चलो कुछ भी है, किबला तो हमारा मानता है ना, तो शायद कुछ दिन किबला तब्दील ना हो तो इन्हें भी ईमान की दौलत मिल जाए। तो अभी किबला तब्दील ना हो, किबला तब्दील हो गया तो ये बिफर जाएंगे, बहुत पीछे हट जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजह का, ये तकल्लुब जो है ये बाप का सीगा है, उसमें तकल्लुब पाया जाता है, ये तकलीफ की वजह से। कद नरा हम देख रहे हैं आपका बार बार परेशानी की हालत में ऊपर चेहरा उठाना कि अभी वही ना आए, अभी किबला तब्दील ना हो। मेरे पैगंबर फला नुवल्ली यन्ना का किबला तन तरज़ाहा, हम आपको उस किबले की जानिब फेर देंगे जिस पर तू राजी हो जाएगा, जिस पर तू राजी हो जाएगा तो आप उसको पसंद कर लेंगे। इसके खैर करीने भी हैं, आगे दो आयतें आ रही हैं, ये भी करीना है। तकल्लुब बाप तफाउल है, ये भी एक करीना है, ये एक इल्मी बहस है, इसे छोड़ दीजिए। आप वहाँ खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के अंदर वही आ गई, फवल्ले मेरे पैगंबर अपना चेहरा फेरिए, बैतुल्ला की तरफ अपना चेहरा फेरिए, मेरे नबी नमाज के अंदर फिर गए। कहाँ वो सिमत और कहाँ ये सिमत,
ये सब पिछली थी, ये पहली हो गई, वो पहली थी आखिरी हो गई। यूं ही मेरे नबी फिरे, सहाबा भी फिर गए। बाद में मेरे नबी ने पूछा, मेरे देते वही आई सी, मुझ पर तो जिब्रील उतरा था, मैं तो इसलिए फिरा, तुम क्यों फिरे? सहाबा ने कहा, हमने किबला नहीं देखना, हमने किबला नुमा देखना है। हमने किबला नहीं देखना, हमने तो आपको देखना है। आप इधर तो हम भी इधर, आप इधर तो हम भी इधर। तो सहाबा का तो ये ज़ेहन था ना कि दीन वही है जो आपने कह दिया, जो आपने कर दिया। तो सहाबा खामोश हैं कि रकातें दो हो गई होंगी, तो जब ज़ुल्यदैन ने ज़रा पैर पक्के रखे ना, तो आपने फरमाया, असादा का ज़ुल्यदैन, क्यों भाई ये ज़ुल्यदैन सच कह रहा है? कालू नाम या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कहता तो सच है। कि आपने कितनी रकातें पढ़ाई? दो पढ़ाई। आप आए, नमाज मुकम्मल की, सजदा साहब निकाला, उसके बाद जो आपने खुतबा दिया, मैं बिल्कुल उसमें कोई चूके चुनाचे अगरचे मगरचे ब्रैकेट यानी के ये मफहूम है ये मतलब बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल लफ्जी तर्जमा करूँगा अरबी ग्रामर के मुताबिक। आप भी उसका तर्जमा जाके किसी प्रोफेसर अरबी के प्रोफेसर से पूछ लीजिए। आपने नमाज मुकम्मल करने के बाद खुतबा दिया और फरमाया, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं, जैसे तुम, मिस्लुकुम जैसे तुम, मैं तुम्हारी तरह वाला माना नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं वो माना करता हूं जो हजरत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने रहमतुल्लाह, और बहुत खूबसूरत माना, फिट माना कि मिसलोका का पहले किया, कुम का बाद में किया, मज़ा आ गया। उसी तरतीब से माना करना उर्दू में, खाला जी का घर नहीं है, उर्दू दूसरी जबान में उसी तरह माना करना, मिसलों का पहले कुम का बाद में, तुम्हारी तरह, ये कुम का मैना पहले हो गया, तुम्हारी मिसलो तरह बाद में हो गया। उन्होंने क्या मैना किया? मैं बशर हूँ जैसे तुम। इसमें एक बड़ा नफीस सा फ़र्क है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस फ़र्क की जानिब चला जाऊं कि इन दोनों मानों में फ़र्क क्या है, तुम्हारी तरह या जैसे तुम। इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, मैं बशर हूं जैसे तुम। अनसा आ गया, वो नासिया आ गया, वो नासिया नसी तो, अनसा कमा तन सऊना फैजा नसी तो फजक्के रूनी, मैं भी भूल जाता हूं, ये है जैसे तुम। अब समझ रहे हो ये मिसलियत किस में? जैसे तुम, जैसे तुम। ये जो हमारे दोस्त हो, मैं तो उन्हें दोस्त ही कहूँगा कि मेरी ये फेसबुक पे तकरीर लाखों लोग सुनते हैं, और कितने बंदों की इस्लाह हो। ये जो मैं सिंध के दौरे पे गया, तो मैं एक सिर्फ एक नौजवान की शादी में शिरकत के लिए, उमरकोट, अंदरून सिंध है, हैदराबाद से भी 2.5 घंटे का रास्ता आगे, वो कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इलम है, तो साड़ी दरसा दी मार है। जो हमारे दरस होते हैं तकरीर, अल्लाह ने उसको तौहीद की समझ दे दी, सारी बरादरी दूसरे अकीदे। उसने मुझे अपने दादा से मिलवाया, तो बाद में कहने लगा, मेरे दादे को देख रहे हैं आप, ये यहाँ से मुल्तान पीर की कब्र पे हाजिरी देने के लिए पैदल जाता है, पैदल, अब भी पत्नी कितने लोगों की इस्लाह होती हो।
मैं इतना तवील सफ़र तो करता नहीं, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं दे सकता। वो कहता है कि जिस जगह पे मेरी शादी करना चाहते थे मैं उस जगह पे राज़ी नहीं था। मैं कहता था यहाँ मैंने शादी नहीं करनी। घर वालों ने जब जोर दिया तो मैंने भी एक शर्त लगा दी। मैंने कहा मैं शादी ताँ करनी है जो बंदयालवी साहब शादी चाहते थे। उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली। तो फिर वलीमे में मेरी तकरीर भी हुई, खिताब भी हुआ, उसमें सियासी लोग भी आए, सुबह असम्बली के जो मेम्बरान थे वो भी आए। वहाँ 60% हिंदू हैं, सिर्फ 40% मुसलमान हैं, और मुसलमान भी वही पड़े हुए और खड़े हुए। पता नहीं समझो कि नहीं समझे, खड़े। वहाँ तो सिंध की तहजीब ही यही है, हिंदुओं से मुतासर हैं, वो लोग हिंदुओं से मुतासर है, सलाम भी ऐसे करते, इतने मुतासर हैं हिंदू तहजीब से। तो पता नहीं हमारी आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो मैं इसलिए हमेशा मोहब्बत से बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, लोगों की खैरखाई का जज्बा लेके बात करता हूँ। मेरा दिल ये करता है अल्लाह करे तौहीद का ये मीठा मेवा पूरी दुनिया चख ले। हम ये नहीं है कि हम फिर उनको कहते थे जाओ जहन्नम में जलते हो मर होते जाओ, ये दाई का काम नहीं। दाई का काम है कि वो पकड़ पकड़ के लोगों को बचाए, हटाए, मेहनत करे। तो जो अहबाब मेरी तकरीर को सुनेंगे वो इस बात को नोट करें, ये मिसलियत जो तुम्हें बताया जाता है मेरे मुतालिक या दूसरे लोगों के मुतालिक तुम्हें बताया जाता है, ये अपनी तरह समझते हैं। जब हम माना करते हैं तुम्हारी तरह, तो वो कहते हैं अपने यार समझ देने, किस में, मकाम में, मर्तबे में, दर्जे में, ये दर्जे में अपने जैसा मानते हैं, अपना बड़ा भाई। इन्ना लिल्लाहे, सारी उम्मत के लोग इसमें औलिया भी, अतकिया भी, असफिया भी, मुफस्सरीन भी, मुहद्दिसीन भी, फुकहा भी, फकी भी, आइम्मा मुज्तहिदीन भी, इनमें ताबेईन भी, तबा ताबेईन भी, ये सारे मिल जाएं, एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। और सारे सहाबा और पहली उम्मतों के सारे मोमिन मिलकर हजरत सैयदना सिद्दीक़ के अकबर के मर्तबे को नहीं पा सकते, और ये पूरी धरती हजरत सैयदना सिद्दीक़ के अकबर जैसे लोगों से भर जाए, एक नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। और सारे नबी और सारे फरिश्ते, उसमें जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये सारे मिल जाएं तो मुहम्मद अरबी के मर्तबे को नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। ये तुम्हें गलत बताया गया है, ये मुतनफ़िर करने की कोशिश की गई है ताँ जो तुसा साढ़े नेड़े ना हो। फेसबुक पे मेरी तस्वीर सामने आए तो नीचे लिख दो यजीदी है, मेरी तकरीर सामने आए तो नीचे लिख दो गुस्ताखे रसूल है। ओ मेरे भाइयों, ओ पढ़े लिखे हमारे भाइयों, उलमा से मेरी कोई गुफ्तगू नहीं है, मेरी उन नौजवानों से गुफ्तगू है जो हमारी तस्वीर देख के नीचे लिख देते हैं गुस्ताखे रसूल है, इसलिए कि उन्हें पढ़ाया ये गया है, ये नबी को अपने जैसा मानते हैं, अपने आर मंदे ने मर्तबे में, दर्जे में नहीं। ओ लोगो, ये मेरा मौजू नहीं है, मैं इस तरफ निकल आया हूँ, लेकिन चलो जुमा एक ऐसी तकरीर होती है जिसमें सारी बातें मिलजुल के करते हैं। अल्लाह तुहाड़ी भी जिंदगी करे तो मेरी भी जिंदगी करे, तो जुमे तो ख़त्म ही नहीं होने, जुमे को ख़त्म हो जाने पर अगले जुमे हमने नहीं करना, तो अगले जुमे कर लेंगे बाकी बातें। अकीदे की इसलाह की बात आई तो यहीं करते चले जाए ना। मकाम में मिसलियत नहीं है, ये मिसलो कुम जो है ना, ये दर्जे में, मकाम में, अजमत में,
खुदा गवाह नहीं है, नहीं है। एक जर्रे को जो आफताब से निस्बत है, इतनी भी हमारी निस्बत नहीं इमामुल अंबिया से। एक कतरे को जो समंदर से निस्बत है, इतनी भी निस्बत नहीं है। कहीं यह भी गुस्ताखी ना हो जाए, इतनी भी हमारी निस्बत नहीं है। सारे उलमाए देवबंद और इशातुत तौहीद के सारे अकाबरीन मिल जाएं मेरे प्यारे पैगंबर के पांव के नीचे जो मट्टी लगती थी उसके एक जर्रे का भी मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये क्या हुआ कि हम अपने जैसा मानते हैं? ना, ये मिसलियत मकाम में नहीं, मर्तबे में नहीं, अजमत में नहीं, कोई निस्बत ही नहीं, कोई निस्बत ही नहीं। मैं थोड़ी सी आपकी आदत बदली है मैंने जुमे के खुतबे में कि कुछ बातें मैं आहिस्ता करूँ। बाद लोग कहते हैं असी तो नारा ताम मारे आज असी मौलवी का जोश वेखे, भावें गल समझ आई थे भावें। तो मैं आपने भी सुभान अल्लाह कहा तो मैं ज़रा आहिस्ता बात करता हूँ। सुभान अल्लाह उससे दुगनी होनी चाहिए जो मैं आहिस्ता करूँगा। कोई निस्बत ही नहीं। किथे आमना दा लाल ते किथे आईदा आलिम, कोई निस्बत ही नहीं। मैं सड़क या गली पे खड़े होकर उंगली यूं करूं तो लोग शक की निगाह से देखने लगे, और आमना का लाल उंगली उठा दे तो आसमान का चांद दो टुकड़े हो गए। कोई निस्बत ही नहीं, कोई निस्बत ही नहीं। मेरे बदन से पसीना आए, घिन आए, बदबू आए, लोग नफरत करें, आमना का लाल पसीना पूछने लगे तो लोग शीशियां लेके खड़े हैं, कोई निस्बत ही नहीं। कहां मेरा पैगंबर और कहां मैं, कहां कोई निस्बत ही नहीं। वो इमामुल अंबिया हैं, उन्हें तो सारे अंबिया का इमाम बनाया गया है, कोई निस्बत ही नहीं। ये मिसलियत दर्जे में नहीं है, मकाम में नहीं है, मर्तबे में नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं मिसलियत किस में है। मेरी बात को नोट करो, कोई नहीं तुम्हें इस तरह समझाएगा। सुनो मिसलियत किस में है। ये जो आपने कहा जैसे तुम, जैसे तुम, ये जैसे तुम किस में? इसमें जिस तरह तुम पैदा हुए मैं भी पैदा हुआ, तुम्हारे भी माँ बाप, बोलो बोलो मेरे साथ, तुम्हारे भी माँ बाप, मेरे भी माँ बाप। तुमने भी किसी औरत का दूध पिया, मैंने भी किसी औरत का दूध पिया। तुमने भी बकरियाँ चराई, मैंने भी बकरियाँ चराई। तुमने भी शादियाँ की, मैंने भी शादियाँ की। तुम्हारे भी बाल बच्चे, मेरे भी बाल बच्चे। तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है। तुम्हें प्यास सताती है, मुझे भी प्यास सताती है। तुम भी सफ़र करते हो, मैं भी सफ़र करता हूँ। तुम भी थक जाते हो, मैं भी थक जाता हूँ। कभी कभी घोड़े से तुम भी गिर जाते हो, मैं भी गिर जाता हूँ। तुम्हारे घुटने में भी तकलीफ़ हो जाती है, मेरे घुटने में भी तकलीफ़ हो जाती है। तुम भी तिजारत करते हो, मैं भी तिजारत करता हूँ। तुम्हारे भी सुसर हैं, मेरे भी सुसर हैं। तुम्हारे भी दामाद हैं, मेरे भी दामाद हैं। तुम्हारी भी बेटियाँ हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं। तुम भी खाते पीते हो, मैं भी खाता पीता हूँ। तुम भी बीमार होते हो, मैं भी बीमार होता हूँ। इस माने में है इन्ना मा आना बशारुम मिसलो। इन्नमा आना बशरुम, इस माने में मिसलियत है। तो मेरे नबी अब यहां क्या फरमा रहे हैं? यहां मेरे नबी ने खुद वजाहत कर दी है, क्या? मैं बशर हूं जैसे तुम। या रसूल अल्लाह, ये जैसे तुम
किस में? फरमाया अनसा कमातन सऊना, जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ। समझ आ गई मिसलियत किस में? मिसलियत किस में? अनसा कमातन सऊना, ये बुखारी से पढ़ रहा हूँ, मेरे नबी का फरमान है, नबी पाक का फरमान पढ़ रहा हूँ, अपने आका का इरशाद पढ़ रहा हूँ। उठाओ मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद, मिश्कात, मोता इमाम मालिक, मुसन्नफ अब्दुर, कोई सी किताब उठाओ, मेरे नबी का ये फरमान उसमें मौजूद है। अनसा कमातन सऊना, मैं भी भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो। फैजा नसी तो फजक्के रूनी, आइंदा अगर मैं भूल जाऊं तो पीछे से मुझे याद दिला दिया करो। यहां क्या तासर दिया गया? वो भूलते भी नहीं, उनसे गलती भी नहीं होती, और यहां कुरान क्या कह रहा है और इमामुल अंबिया क्या कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं बात कहां से चली, और हज़रत उस्मान से जो चली थी, हाँ बहते रिजवान, चलो उस वहीं से शुरू कर लेते हैं, कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठहरो मुझे समझ आ गई। एक दरख्त की वजह से, एक दरख्त सबब बन गया, एक दरख्त सबब बन गया आदम को जन्नत से निकलने का, वो दरख्त था। और यहाँ भी एक दरख्त सबब बन गया 1400 सहाबा को जन्नत में दाखिल करने का। माशाल्लाह, बस फ़र्क इतना है। बाद औकात बातें बड़ी गहरी होती हैं, फिर तफसील करनी पड़ती है, वक़्त नहीं होता। फ़र्क ये है, वो सफ़ीउल्लाह था, ये हबीबुल्लाह था। वो आदम सफ़ीउल्लाह था और ये हबीबुल्लाह था। जिस दरख्त के नीचे ये बैठ गया, वो दरख्त शजरतुर रिजवान हो गया और 1400 सहाबा के जन्नत में दाखिले का सबब बन गया। बात मैंने यहाँ से शुरू की थी वो ये थी कि सुलह हुदैबिया का हीरो कौन है? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से। ये सारी बयत सबब कौन बना? जब आपने सब की बैत कर ली तो फरमाया ये हाथ उस्मान का है, दूसरे हाथ पे रखा, फरमाया मैं उस्मान की तरफ से भी बैत करता हूं। नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। तवज्जो है आपकी, बयान तो ये सारे करते रहते हैं, मैं जरा और तरीके से बयान करूं। मेरे नबी ने हजरत उस्मान के हाथ को अपना हाथ कहा, अपना हाथ कहा। क्यों? इसलिए कि उस्मान का हाथ इतना पाकीज़ा और इतना हया वाला हाथ था कि हज़रत उस्मान फरमाते हैं मैंने इस्लाम की बयत करते हुए जब अपना दायां हाथ नबुव्वत के हाथ पे रखा था उसके बाद से मैंने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को भी कभी हाथ नहीं लगाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इस हाथ को वाकई नबी का हाथ होना चाहिए था, इस हाथ को वाकई नबी का हाथ बनना चाहिए था। मैंने सारी जिंदगी इस हाथ से अपनी शर्मगाह को छुआ तक नहीं। हयात गुसल खाने की चार दीवारी में भी कभी कपड़े उतार के गुसल नहीं किया। अल्लाहु अकबर, गुसल खाने की चार दीवारी में भी कपड़े उतार के गुसल नहीं किया। इसीलिए मेरे नबी ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, आयशा मैं उससे हया क्यों ना करूं? बोलो यार, ये तो आधी हदीस मैंने पढ़ी है, अगली तो बोलो। और किस बात पे?
घर में बेतकल्लुफ़ लेटे हुए हैं। तो जब बंदा घर में बेतकल्लुफ़ होता है तो पिंडली मुबारक से चादर हटी हुई है, पिंडली मुबारक नंगी है, बेतकल्लुफ़ लेटे हुए हैं। हज़रत अबू बकर आ गए, इजाज़त मांगी, फरमाया आ जाओ, आप लेटे रहे उसी तरह बेतकल्लुफ़। हज़रत उमर आ गए, इजाज़त तलब की, फरमाया आ जाओ, आप लेटे। हज़रत आशा जी सब कुछ देख रही हैं। इतने में दस्तक हुई, कौन? उस्मान। फरमाया ठहरो, मेरे नबी उठे, कपड़ा दुरुस्त किया, फरमाया आ जाओ। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, बाबा आए, आप उसी तरह लेटे रहे। हजरत उमर आए, आप उसी तरह लेटे रहे। उस्मान आए, आप उठ के बैठ गए, कपड़ा दुरुस्त कर लिया। दो बातें यहां मेरे नबी ने कही, एक बात तो आम उलमा बयान करते रहते हैं, एक मैं करूंगा। मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे रब के फरिश्ते हया करते हैं? और मेरे नबी ने हजरत आशा से कहा, आशा, उस्मान इतना हयादार है कि जो बात करने या जिस काम की गरज से वो मेरे पास आए थे, अगर मैं इसी हालत में रहता तो मुझसे वो अपनी बात भी न कर पाते, वो अपनी बात भी न कर पाते शर्म से। मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे रब के फरिश्ते हया करते हों? लोगों, तुम्हें भी उस्मान से हया करना चाहिए, तुम्हें भी हया करना चाहिए। उस उस्मान पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, उस उस्मान को गालियां नहीं देनी चाहिए, उस उस्मान को तारीख के रंग में नहीं देखना, वरक में नहीं देखना चाहिए, उनकी गलतियां नहीं गिनवानी चाहिए, तज़किरे नहीं करने चाहिए, बल्कि जिससे रब के फरिश्ते हया करते हैं, हर कलमा पढ़ने वाले को हजरत उस्मान का हया करना चाहिए। क्यों भाई? ठीक है, ये गलत है, हया करना चाहिए। आजकल फेसबुक पे एक बड़ा तमाशा लगा हुआ, मौजू ए बहस शिया सुन्नी मसला है, और इस दफा लुत्फ की बात ये है, बे पहले असी देवबंदी सामने होंदे सा, अब बरेलवी सामने आ गए। ये अजीब बात है, उन पर केस भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, हवाले दिए जा रहे हैं। कल तो मैं एक तकरीर सुन के हैरान ही हो गया यार, मैंने कहा पता नहीं ये हमारी मेहनत का नतीजा है या बार बार हमारे दलायल देने का नतीजा है। आलिम वो बरेलवी हैं, अजमत बयान कर रहे थे यजीद की, उसके हाथ पे 200 सहाबा ने बैत की थी, वो कत्ले हुसैन पे राजी नहीं था, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा वाह, उनकी जबान से यजीद की तारीफ, ये तो ऐसे लगा जैसे मोदी कलमा पढ़ने लग गया। ऐसे नामुमकिन बात है ना। लेकिन वो अब निखर के आए मुआविया, अब तो मुआविया मुआविया हो रहा है, वो तब का ही मुआविया मुआविया करने लग गए। इसी पे तो हम लाना चाहते थे कि वो सहाबी है, और सहाबियत के नाते हजरत मुआविया का एहतराम होना चाहिए कि उनकी आंखों को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी के चेहरे पर अनवार को देखा था। कम अजमत है। शोरश कश्मीरी ने एक बात कही थी, आलिम तो वो नहीं था, बातें बड़ी कमाल की कभी कभी कर जाया करता था। कहता है जब बंदा आमने सामने बैठ जाए, आमने सामने बैठ जाए, तो जो सामने वाला होता है उसकी तस्वीर आंख की काकी में आ जाती है, और मेरी तस्वीर सामने वाली आंख की काकी में आ जाती है, आंख की वो पुतली जो छोटी सी
काकी जिसे कहते हैं उसमें आ जाती है। शोरश ने कहा कलमा पढ़ने के बाद जो बंदा मेरे नबी के सामने बैठ गया और उसकी तस्वीर मोहम्मद की आंखों में आ गई, वो भी जहन्नम में जा सकता है। मेरे नबी के चेहरे पर अनवार को देखने वाला, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे नबी के चेहरे पर अनवार को देखना कितनी बड़ी अजमत की बात है। आज शायर कहते हैं, मैं शेर व शायरी में ज़रा खुद हूँ, पढ़ता रहता हूँ मैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहते, और अल्लाह करे कुरान याद रहे। शेर व शायरी वाली बात, वो शायर कहता है काश काश हम वो टाकियाँ होते, कपड़े की टाकियाँ, काश हम कपड़े की वो टाकियाँ होते कि जब लोग मेरे नबी को पत्थर मार के ज़ख्मी करते थे तो हमसे आपका खून पूछा जाता। काश हम वो कपड़े की टाकियाँ होते। आज इस पर तरसते हम कि काश हम कपड़े की वो टाकी होते कि नबी पाक के चेहरे मुबारक से खून निकलने लग गया तो वो पूछा जाता उन टाकियों से। आज रोज़े की जालियों को देखने के लिए तरसते रहते हो, मदीने की गलियों को देखने के लिए तरसते रहते हो, ओद की पहाड़ी को देखने के लिए तरसते हो, खंदक को देखने के लिए तरसते हो, और आके यहाँ कहते हो मैं मदीने दियाँ गलियाँ देख के आया। मेरी आंखें कितनी खुशकिस्मत हैं, मैंने मदीने की गलियां देखी हैं, रोजे की जालियां देखी हैं। तू रोजे की जालियां देख कर आए ते तेरे पैर जमीन ते नहीं लगते। उस मुआविया पे तू तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी को देखता भी है, मुसाफे भी करता है, सवारी पे पीछे बैठा भी करता है। मेरे नबी के चेहरे पर अनवार को देखना कोई कम दर्जे की फजीलत है? वो चेहरा कोई आम चेहरा है? मेरे आका का चेहरा कोई आम चेहरा है? वक्त, फिर वही बात आती है ना, किल्लत होती है वक्त की। जुमे में एक बंदा आया, उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद चंद लम्हे मेरे नबी की खिदमत में रहा, साहबी हो गए, साहबी हो। पूछने लगा अमल क्या करने हैं? फरमाया पांच वक्त की नमाज पढ़, रमज़ान के रोज़े रख, ज़कात दे। हज उस वक़्त तक फ़र्ज नहीं हुई थी, हज का आपने ज़िक्र नहीं किया, तीन का ज़िक्र किया बस, ना नफल ना तहज्जुद ना तिलावत ना कुछ, ज़िक्र अज़कार नकशबंदी ते चिश्ती ते सुरवर्दी ते वजीफा ते वजीफा ते ख़त्म, ख्वाजगान नो नो। पांच वक्त की नमाज पढ़, ज़कात दे, फ़र्ज हो जाए तो रोज़े रख। कह लगा या रसूल्ला मैं जाना चाहता हूँ, ये मैं मिशकात से पढ़ रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ घर अपने वतन अपने। फरमाया जाओ। यूं जो उसने पीठ दी ना, अभी उसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, वक़्त ही नहीं मिला, एक रोज़ा भी उसने नहीं रखा, वक़्त भी नहीं मिला। पता नहीं बंदयालवी के इशारे कितने लोग समझते हैं। अभी उसने तबूक के मैदान में पूरे घर का सामान भी नहीं दिया, अभी उसने बीरे रूमा भी नहीं खरीद के दिए, पता नहीं समझे हो कि नहीं, अभी उसने मस्जिद नबवी के लिए जगह भी नहीं दी, अभी उसने गार की तीन रातों में मोहम्मद अरबी के चेहरे को भी नहीं देखा, अभी उसने हिजरत भी नहीं की, अभी उसने बदर ओद खंदक भी नहीं लड़ी, कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है। ये जो मैं हदीस के लफ्ज़ सुनाने लगा अपने आका का इरशाद, मेरे आका का इरशाद है, मुझे आप इतनी ज़ोर से आप सुभानअल्लाह कहेंगे ना कि ये मस्जिद गूंज उठी, और वो भी तब कहेंगे जब आपको जुमला पसंद आ जाए। मेरा मेरा जुमला नहीं, मेरा जुमला नहीं, मेरे प्यारे पैगंबर का जुमला, मेरे नबी का जुमला पसंद आ जाए।
मुझे बड़ा पसंद है। कोई अमल नहीं उसके पास, सिर्फ कलमा पढ़ा, एक ही अमल है। क्या अमल है? मेरे नबी के, बस कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी के चेहरे पर अनवार को देखा, एक ही अमल है। यूं जो उसने रुख फेरा तो मेरे नबी ने फरमाया मन सर्रहू ऐ यंजुरा इला रजुल मिन अहल इला रजुल मिन अहल जन्ना। समझ तो गए होगे यार, कुछ अरबी तो समझ गया होगे। मन सर्रहू ऐ यंजुरा इला रजुल मिन अहल जन्ना फल यंजुर इला हाजा फल यंजुर इला हाजा। तुम में से जिसने जन्नत का आदमी जमीन पे चलते हुए देखना हो वो जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मेरे नबी ने कहा, मैंने सिर्फ तर्जमा किया। सर्रा सुरूर से, सुरूर खुशी, यंजुरा देखने से, इला रजुल मिन आले जन्ना जंतियों में किसी ने देखना वो जा। कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी के चेहरे को देखना ऐसा अमल है हम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। यार कितनी तमन्ना है आपकी मेरी कि अल्लाह करे ख्वाब में ही नबी पाक की ज़ियारत। नहीं तमन्ना कितनी तमन्ना है हम सब की। आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है, हर कलमा पढ़ने वाले को नबी पाक से मोहब्बत है। कितनी तमन्ना है कि काश ख्वाब में ही देख ले। बशारतें और लोगों को हुई, बशारतें और लोगों को हुई और मेरे मुतालिक भी हुई, लेकिन मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया। ऐसे लोगों को भी हुई जो रावलपिंडी से चल के मेरे पास आए सिर्फ ये बताने के लिए, लेकिन मैंने इसका जिक्र कभी नहीं किया। लेकिन मैं इस पर खुश बड़ा हूं कि नबी पाक हमारे इस तौहीद बयान करने पर बड़े खुश हैं। मैं इस पर खुश बड़ा कि जो बशारत उन्होंने सुनाई मुझे और जो कुछ आपने मेरे मुतालिक जुमले कहे उस ख्वाब में, जो उस बंदे को ख्वाब आया वो आलिम है। हम ख्वाब में तरस गए कि नबी पाक के चेहरे पर अनवार की ज़ियारत होती हो। ओ लोगो खौफे खुदा करो, जो लोग इन्हीं आँखों से मेरे नबी को देखा करते थे, मेरे नबी से मुसाफे करते थे, मेरे नबी से मुआनके करते थे, मेरे नबी से बातें करते थे, मेरे नबी की मुस्कराहट को देखा करते थे, मेरे नबी के साथ सवारियाँ किया करते थे, मेरे नबी के साथ सफ़र किया करते थे, मेरे नबी के साथ गार के तीन दिन और तीन रातें जहाँ कोई तीसरा बंदा नहीं था, कोई तीसरा बंदा नहीं था। राज राज के वेखे अबू बकर, राज राज के वेखे अबू बकर ने तीन दिन और तीन रातें। ओए लोगों उनकी किस्मत का क्या कहना, जिनकी आंखों से आंसू गिरते थे तो मोहम्मद के रुखसार पे गिरा करते थे। उन पर तान करते हो, उन पर तनकीद करते हो, मेरे नबी के यारों पे तनकीद करते हो। बस आखिरी बात कह के ख़त्म कर देता हूँ। जनाजा तैयार हुआ, लोगों ने उठाया, मेरे प्यारे पैगंबर शामिल हैं लोगों में, तो आप पूरा कदम ज़मीन पे नहीं रखते, आप अपने पंजों के बल चलते हैं, पंजों के बल पूरा कदम नहीं रखते। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई धक्कम पेल नहीं, भीड़ नहीं, हुजूम नहीं, जगह मौजूद है, आप अपना मुबारक कदम पूरा जमीन पे क्यों नहीं रखते हैं? मेरे आका ने फरमाया मेरे इस यार के जनाजे पर इतनी तादाद में आसमान से फरिश्ते उतरे हैं कि मोहम्मद को जमीन पे कदम रखने की जगह भी नहीं मिलती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिनको गुसल देने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते, क्या बात है मेरे नबी के यारों की, जिनको गुसल देने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उसके जिस्म से पानी के टपकने वाले कतरों को सारे लोग देखते हैं। इसी को गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। हज़रत उस्मान की कुछ ऐसी खसूसियात मैं ज़िक्र करूँगा जो खसूसियात बाकी सहाबा में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ उन्हीं में पाई जाती, उनका जिक्र इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि ये जो फेसबुक पे चल निकला है ये मसला, तो ये फिर एक मरतबा मुल्क को फ़िरका वारियत में झोंकने की साजिश हो रही कि ये मसला उठ खड़ा हो, आपस में लड़ाई दंगा फसाद हो जाए। आप सब लोगों का क्या ख्याल है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हौसला शिकनी अपनी अपनी चार दीवारी के अंदर जो मर्जी है करना है कर लो, लेकिन फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजी, तनकीद, जज्बात को उभारना और धकेलना मुल्क को फसाद की तरफ, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं। हमने 80 और 90 की दिहाई में बड़ा नुकसान उठाया, मस्जिदों का नुकसान, इमाम बारगाहों का और इबादतगाहों का, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, ताजिर, कितने लोग काम आ गए। 70 बंदे धमाकों में मर जाते थे। हम सबको मिलकर फसाद का ये रास्ता रोकना है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम सबको किरदार अदा करना है कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में फसाद का ये दरवाज़ा न खुले। अपनी अपनी चार दीवारी के अंदर जो करना है करें, जो बोलना है बोलते रहें, बाहर दूसरों को ना सुनाएं। फेसबुक के ज़रिए कोई ऐसी बात न की जाए वो सारी दुनिया सुनती, ना सहाबा के मुतालिक की जाए, ना खानवादा अली के मुतालिक की जाए, ना हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, या उनकी जो औलाद में इमाम है, एक फ़िरके के वो इमाम हैं सारे, तो उनका भी यकसा एहतराम किया जाए। जिस तरह सहाबा का एहतराम करना है, इसी तरह दूसरों के जो आइम्मा हैं वो उन्हें अपना इमाम मानते हैं, उनका भी इकराम। वो हज़रत अली की औलाद है, वो हज़रत हसन, हज़रत हुसैन की औलाद है रज़ी अल्लाह तआला, वो बड़े अजीम लोग हैं, वो बड़े ऊंचे लोग हैं, वो बड़े ऊंचे लोग हैं, नसब के लिहाज से भी ऊंचे हैं, अकीदे के लिहाज से भी ऊंचे हैं, अजमत के लिहाज से भी बड़े ऊंचे लोग हैं। तो खानवादा अली, उसका भी एहतराम किया जाए। फेसबुक पर किसी पर फतवेबाजी करना, तान करना, गल, जो आप में से जो बच्चे नौजवान फेसबुक इस्तेमाल करते हो, यार कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ, उसमें माओ बहनों की गालियाँ निकालते हो, कमेंट करते हुए गालियाँ निकालते हो। ये शरीफ लोगों का काम है, जिनकी रगों में शरीफ बाप का खून दौड़ता है, वो कभी अपने मुखालिफीन को भी माँ बहन की गाली नहीं देते। कमेंट करो, अच्छा करो, दलाल के साथ करो, फतवे के जरिए ना करो, गाली निकाल के ना करो, किसी के बड़ों को गाली दे कर ना करो, दलील के साथ करो। कुरान की कोई आयत है, हदीस है, पेश करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कमेंट करो। तो जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल ना किया करें जिससे इंतशार का, फसाद का, किसी के जज्बात के मजरू होने का खतरा पैदा हो। क्यों भाई, मेरी बात सही है या गलत है? आप सारे इससे मुत्तफिक हैं ना? दे जी अज़ान, माशा अल्लाह।